स्टार्ट कर देगी और हमारा जो मोटर है वो हाई स्टार्टिंग करंट की वजह से डैमेज होने से बच जाती है। अब इसमें क्या है, दो फेलियर होते हैं, एक तो होता है पावर फेलियर, एक होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, सपोज क्या होता है कि हमारा पावर फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया तो जैसे पावर फेलियर हो गया तो जो पावर फेलियर का मतलब क्या, सप्लाई कट हो गई, करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया तो ये हमारी फील्ड कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज, फील्ड कॉइल में कोई करंट नहीं होगा, जब फील्ड कॉइल में कोई करंट नहीं होगा तो ये जो वोल्टिंग कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल है, ये क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो जो हमारा हैंडल है वो क्या हो जाएगा, ऑफ पोजिशन में आ जाना चाहिए। कब आना चाहिए, पावर फेलियर, जब पावर फेलियर होता है तो हैंडल हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ पोजिशन पे आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारा हैंडल क्या है, ऑफ पोजिशन पर नहीं आ पाता, नहीं आ पाता कोई भी रीजन से, अगर हैंडल हमारा ऑफ पोजिशन पर नहीं आ पाता और ये जो हैंडल है ये होल्डिंग कॉइल से अटैच रहता है, तब क्या होता है कि एक बार तो पावर फेलियर होगा, इंस्टेंट क्या लाइट आ गई, पावर आ गई, तो पावर आ गई, जैसे पावर आएगी तो जो इस जो करंट होगा बिना रेजिस्टेंस के कट के डायरेक्ट इसमें चला जाएगा होल्डिंग कॉइल में, क्योंकि होल्डिंग ये क्या अपना हैंडल इस पर अटैच है, इस पर अटैच है, तो ये जैसे सप्लाई देंगे क्योंकि सप्लाई डायरेक्ट इससे कनेक्ट है तो ये डायरेक्ट यहाँ आएगा, तो जो इस जैसे ही दोबारा पावर आएगी तो जो करंट है बिना रेजिस्टेंस कट किया आएगा तो डायरेक्ट इसमें आएगा, होल्डिंग कॉइल में आएगा, तो जैसे होल्डिंग कॉइल में आएगा तुम्हारी कॉइल क्या हो जाएगी, आर्मेचर को डैमेज कर देगी। इसलिए पावर फेलियर प्रोटेक्शन के लिए हम कौन से यूज कर क्या यूज करते हैं, नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल इज यूज टू प्रोटेक्ट द डीसी मोटर फ्रॉम पावर फेलियर। पावर फेलियर प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, डीसी मोटर। अब हम क्या यूज करते हैं, ओएलआर, ओएलआर का मतलब क्या है, ओवरलोड लीज कॉइल। ठीक है, अब क्या है कि सप्लाई में ओवर वोल्टेज आ गया या ओवर करंट आ गया, कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन आ गई, ठीक है, कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन आ गई तो इस कॉइल में क्या हुआ, ये जो ओवर करंट आ गया, ओवर वोल्टेज आ गया तो ओएलआर रिलीज क्या हो जाएगी, एनालाइज हो जाएगी। ठीक है, एनालाइज हो जाएगी तो ये जो लेवर है इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जैसे इस लेवर को अट्रैक्ट करेगी, इस लेवर का जो कॉन्टैक्ट है होल्डिंग कॉइल के, देखो ये ए टर्मिनल किससे कनेक्ट है, ए डैश से, और ये बी टर्मिनल किससे कनेक्ट है, बी डैश से, जैसे ही अबनॉर्मल कंडीशन आती है ओवर वोल्टेज या ओवर करंट तो ओएलआर रिलीज क्या हो जाएगी, एनालाइज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ये जैसे एक्टिव होगी तो ये लेवर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जैसे ही अट्रैक्ट करेगी तो ये जो ए डैश और बी डैश है ए और बी को क्या कर लेंगे, पुश कर लेंगे, तो ये जो दोनों वाइंडिंग है, ये जो दोनों तार है, ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, जैसे इसमें करंट जीरो हो जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो हैंडल हमारा ऑफ पोजिशन पर चला जाएगा। तो ओएलआर क्या करती है, ओवर वोल्टेज या ओवर करंट से मोटर को प्रोटेक्ट करती है। समझ में आया कैसे करेगी, ओवरलोड आ गया तो क्या करेगी ये, ओएलआर रिले क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, प्लम्बर को पुश करेगी, जैसे प्लम्बर को पुश करेगी तो ये जो दोनों कॉन्टेक्ट है ए ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या इसमें वर्क करती है, करंट होगा तो काम करेगी, तो करंट ही नहीं होगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये स्प्रिंग है इस हैंडल को ऑफ पोजिशन में ले आती है। तो थ्री पॉइंट स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं हम, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए, बट इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है इसका एक ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक ये है कि वाइड स्पीड कंट्रोल मैं इसका यूज नहीं कर सकती। वाइड स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अगर हमको एबनॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड चाहिए, अगर हमको स्पीड हाई चाहिए, हमने रिलेशन पढ़ा था एन इज प्रोपोर्शनल ईबी अपॉन फाइव, अगर हमको ज्यादा स्पीड चाहिए नॉर्मल स्पीड से, अगर हमको ज्यादा स्पीड चाहिए, अगर हमको नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को कम करना पड़ेगा, फ्लक्स मतलब फील्ड करंट को कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम फील्ड करंट को कम करेंगे, याद रखो फील्ड कॉइल किससे कनेक्ट है, हमारी होल्डिंग कॉइल से, इसको हम होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं ना, जैसे ही फील्ड करंट को हम कम करेंगे तो होल्डिंग कॉइल क्या हो जाएगी, हमारी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज होने क्या हो जाएगा, हमारा हैंडल ऑफ पोजिशन पर चला जाता है, तो हमको हाई स्पीड प्रोटेक्ट
प्रोडक्शन हाई स्पीड नहीं मिल पाती है, तो थ्री पॉइंट स्टार्टर नॉर्मल स्पीड के लिए यूज करते हैं। अगर हमको ज्यादा स्पीड चाहिए, वाइड रेंज स्पीड चाहिए, तो हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं? फोर पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। फोर पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टर्मिनल लेते हैं, एल टर्मिनल। जैसे इसमें क्या है, एल एफ ए, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्मिनल लेते हैं, उसको हम होल्डिंग कॉइल से कनेक्ट करते हैं। फील्ड वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो होल्डिंग कॉइल से नहीं होता है, तो फ्लक्स में ज्यादा हो या कम हो, या फील्ड करंट कम हो ज्यादा हो, उससे होल्डिंग कॉइल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारा थ्री पॉइंट स्टार्टर हो गया। इसका ड्रॉबैक ये हो गया कि वाइड स्पीड कंट्रोल में यूज नहीं कर सकते। वाइड स्पीड कंट्रोल के ना फोर पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं।